कल शाम से नहीं आया अभी अब पानी। जब भी हमारा त्यौहार आता है हमको पानी नहीं मिलता, दो चार दिन लेन नहीं नहा है और एक भी पानी नहीं आ रहा है, लोहा लोहा आ रहा है पानी। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ के 19 वार्डों में से अधिकांश वार्डों में जो है पिछले कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, और अगर पानी भी मिल रहा है तो उसकी धार बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात की कल दिवाली और फिर आज दो दिनों से पानी नहीं मिल पाया है। और आप देख सकते हैं मैं अभी पहुंचा हूं, ये एक टिकरा पारा का जो है संतोषी नगर का एरिया है जहां पर ये महिलाएं देखिए कि पहुंचे हुए हैं। अभी तक जो है इनको पानी नहीं मिला है, ये जो ये भरा रहता है वो नहीं है कारण कि दो दिनों से पानी नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं बच्चे सब जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की अभी दीपावली है और दीपावली में स्वाभाविक रूप से लोग जो है अपने घरों में ही रहते हैं। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्या कहना है आपका, पानी कब से नहीं आया है? कल शाम से नहीं आया अभी अब पानी। परेशानी कितना हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, पीने का भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ जाएंगे त्योहार में बाहर? जब भी हमारा त्यौहार आता है हमको पानी नहीं मिलता है, पानी पानी के लिए हम लोग मतूज होते हैं। यहाँ पर एक इंसान है सियार मन के, वो भी बोल रहा है कि मैं दो दिन हो गया नहा ही नहीं हूँ, पानी नहीं आया कल से शाम से। तो तुम अलग कैसे करो था पानी नहीं आता, कोनो में नहा रहे हैं? दूरी है बोरिंग है मेरे, नहीं है बोरिंग में भी पानी नहीं आ रहा है, लोहा लोहा आ रहा है पानी। बोरिंग के दूर है, बहुत दूर है बोरिंग, बोरिंग बहुत परेशानी है, बहुत समस्या है पानी का। हाँ क्या कह रहे दीदी आप? कल से पानी नहीं आ रहा, मैं मेरा घर ऊपर हो जा रहा तो पानी नहीं चढ़ पा रहा, पतला खोल दे रहे पूरा नल को। आप लोग कितने लोग हैं और पानी आप लोग को समस्या हो रही है? नहीं आ रहा ना पानी ठीक से। देखिए पानी की कमी के कारण आप सोचिए कि अभी कोई ठंड का ऐसा सीजन आया भी नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला देखिए, दाई तक के दिन लेनी नहाया, दो चार दिन लेनी नहा है। देखिए मैं पैसा कौड़ी देवा था। ये देखिए दादी कह रही है कि पानी की कमी के कारण वो नहा भी नहीं रही है। हाँ क्या कह रही हैं आप? भैया जगह जगह मैं मोटर भी लगा दे रहे तो दूसरे के घर में पानी भी नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो आपने सुना इन महिलाओं की समस्या, और सबसे खास बात दिन और रात पानी आएगा, बिजली भी रहेगा, और ये हिंदू लोग का त्योहार है तो नल भी नहीं खुल रहा है और बिजली भी बार बार जा रहा है। सबसे खास बात कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। दादा इसमें उपचुनाव हो रहा है अभी, पानी की समस्या है, कैसे देखें फिर आप लोग वोट किसको देंगे? वोट तो क्या, जो अच्छा से काम करेगा अच्छा से करेगा, मोहल्ला देखेगा। पानी तो आ नहीं रहा है, पानी नहीं आ रहे हैं सही बात है, लेकिन अब मैं क्या बोलूं। तो आप देखिए कि पिछले कई साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री रहे, और उसके बाद अभी महापौर यहाँ पर एजाज ढेबर हैं, अर्थात कांग्रेस का महापौर है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जब लोगों को पानी की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही होती है, तब ये पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे मेन बात कि अभी उपचुनाव हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों का गुस्सा जो है फूट रहा है। अब देखना होगा कि जल संकट का असर जो है रायपुर दक्षिण के उपचुनाव पर किसको भारी पड़ता है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।